श्री कृष्ण, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। जन्माष्टमी से संबंधित पहले भी मैंने दो वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने कथा और संपूर्ण जानकारी दी है जन्माष्टमी की। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की संबंध में जानकारी दूंगा कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको कैसे उपाय करना है और भगवान को किस विधि से स्नान कराना है, जन्माष्टमी के क्या क्या नियम है व्रत के, वह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। जन्माष्टमी का त्योहार इस बार जन्मभूमि पर सूर्य उदय व्यापनी अष्टमी के हिसाब से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। घर के अंदर पूरी पवित्रता रखनी है। घर के अंदर अगर कहीं से जमुना जल मिल जाता तो जमुना जल की छिटी भी लगानी है और भगवान कृष्ण को स्नान कराना है। भगवान कृष्ण को स्नान करा करके उनको नए वस्त्र पहनना है। अब पुत्र प्राप्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और संतान गोपाल मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने जानकारी वीडियो में दे दी थी, इसमें मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, मेन चीजें बातें बताऊंगा। सबसे पहले आप जो भगवान के सामने आसन बिछा करके बैठ जाएं, सिर पर वस्त्र रखें, भगवान के सामने दो फल जिसमें आप अरमूद रख सकते हैं, अरमूद हुए, सेब हुए, दो फल भगवान के सामने रखें, मक्खन मिश्री रखें और भगवान के सामने दो खीरे रखें। खीरे का बड़ा महत्व होता है, जो भी संतान प्राप्ति के लिए कामना करते हैं उनको खीरे का प्रसाद जरूर रखना चाहिए। साबुत खीरा रखें जो डंठल समेत होता है। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं और उस दीपक में एक लौंग भी डाल दें। अब भगवान के सामने जल लेकर के आपको पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प करना है कि प्रभु मैं, सिर्फ हिंदी में बोले सादा बोले कोई परेशान नहीं है, कि प्रभु मैं पुत्र कामना के लिए इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप मेरी मनोकामना पूरी करें। देव के सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि मे तनु कृष्णम त्वामहं शरणं गतः ओम जीम हीम सीम क्लीम ग्लोम, ऐसे भी संपुट लगाया जाता है, लेकिन आप सादा मंत्र का ही जाप कर सकते हैं। करीबन तीन माला या पांच माला कम से कम जाप करें। जाप करने के बाद में जो मक्खन मिश्री का आपने भोग लगाया है उस प्रसाद को आप खा लें। अब बात करते हैं कि जो पंचामृत से आप इस अभिषेक करेंगे उस पंचामृत का क्या करना है आपको। शाम रात के 12 बजे ये जो मैंने जाप बताया सुबह के समय करना है, फिर दोपहर को भगवान के मंत्र का उन्होंने भगवत वासुदेवा मंत्र का जाप करते रहे, उसके बाद में फिर रात को आपको एक माला जाप करना है और जो खीरे का प्रसाद है वो रखा रहने दें, उसका प्रसाद जो रात को ही बनाना है आपको। तो आप जो है सबसे पहले भगवान को एक थाली में स्थापित करें और वहां पर शुद्ध जल से स्नान कराएं, अच्छी तरह शुद्ध जल से स्नान करा दें, उस जल को किसी वृक्ष में डाल दें। उसके बाद में फिर आपको पंचामृत से स्नान कराना है और पंचामृत से स्नान करा करके जो पंचामृत है उसका आपको रात के समय जब भगवान का जन्म हो जाए 12 बजे, कथा सुन ले आप, भगवान को जब 12 बजे आप स्नान कराएंगे उस पंचामृत का आपको प्रसाद लेना है और जो आपने आटे का प्रसाद बनाया वो उसका सिंघाड़े का आटे का और धनिया का जो प्रसाद आपने बनाया होगा उसमें फल काटें, पंचमी बार डालें, उसी के साथ में आपको पंचामृत, जो पंचामृत का आप स्नान कराएंगे भगवान को उस पंचामृत का आपको प्रसाद लेना है और उसमें तुलसी दल जरूर डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। यह पंचामृत का बड़ा महत्व होता है, अकाल मृत्यु करता है, सर्व व्याधाओं का नाश करने वाला होता है और इंसान की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अकाल मृत्यु हरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद उत्तम पित्वा पुनः जन्मना विदते, यानी भगवान के चरणामृत का बड़ा महत्व होता है। उस चरणामृत में आप दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये पांच चीजें मिलाई जाती हैं। भगवान को गंगा जल से स्नान नहीं कराना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है और भगवान का अच्छी तरह श्रृंगार करना है। जितना अच्छी तरह श्रृंगार आप कर सकें उतना अच्छा है।
और जन्माष्टमी से लेकर के छठी तक भगवान को पालने में ही रखना है। इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और भगवान के संतान गोपाल मंत्र का आप इस दिन जितना ज्यादा पाठ कर सकें उतना अच्छा है। तो आप इस विधि से कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी तो अगर बस की हो तो निर्जल रह सकते हैं, बस की ना हो तो फलाहार भी ले सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, जिनका